अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुन भी पा रहे होंगे। और आपके सामने जो है वो वर्कशीट ओपन हुई भी है, वही वर्कशीट है जो कि हम लास्ट टाइम सॉल्व कर रहे थे, और इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी थे। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ये वर्कशीट हम खत्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें सॉल्व करना है, आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, ए पार्ट 1, इसमें कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम इतनी दफा डिफाइन कर चुके हैं कि अब तो कम से कम आप लोगों को उसकी डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हमें जो है वो अभी जो है वो असद महमूद जो है हमें डेफिनेशन सुनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हाँ भाई असद महमूद, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन होती है? शाबाश, जल्दी से बताओ। सलाम सलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। सर। वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है, जो कि आपको चाहिए होता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आपको वो वर्क डन जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। सही है। पार्ट टू में कह रहा है कि स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है, ये बात हम 25 दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और रिलेशनशिप ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो किसके बराबर होती है। रिलेशनशिप ये होता है कि जो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो बेचारी बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है, लेकिन बस दोनों का साइन ऑपोजिट होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो बराबर है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के। उसके बाद इसका पार्ट भी देखें गौर से ज़रा, ये इंटरेस्टिंग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कह रहा है कि टू पैरेलल मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर अपार्ट इन अ वैक्यूम एज शोन। दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स, प्लेट्स ए, प्लेट ए रही और प्लेट बी है। तो देयर आर टू मेटल प्लेट्स, प्लेट्स प्लेट ए एंड प्लेट बी, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर। दे आर 1.2 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है यहाँ पे एयर शेयर कुछ भी नहीं है। अब क्या है कि जो नीचे वाली प्लेट है उसको हमने अर्थ किया हुआ है, प्लेट ए को अर्थ किया हुआ है। अर्थ का मतलब है कि इसके ऊपर 0 वोल्ट है, और प्लेट बी जो है उसको हमने पोटेंशियल दिया हुआ है -75 वोल्ट का। तो हमारे हिसाब से ये प्लेट क्या हो गई? पॉजिटिव। और यार ये प्लेट क्या हो गई? नेगेटिव। आपको याद होगा, बल्कि आपको याद नहीं होगा, हमने इसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि दो प्लेट्स होती हैं, जिन दो प्लेट्स में से जिसके ऊपर हायर पोटेंशियल होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव होती है, और जिस पर लोअर पोटेंशियल होता है वो हमारे लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो चूंकि 0 जो है वो हायर पोटेंशियल है कम्पेयर टू -75, लिहाजा 0 वोल्ट वाली प्लेट हमारे लिए पॉजिटिव प्लेट है, और -75 वोल्ट वाली प्लेट हमारे लिए क्या है? नेगेटिव है। अब कह रहा है हीलियम न्यूक्लियस इज सिचुएटेड बिटवीन द प्लेट्स अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम प्लेट ए, और दोनों प्लेट्स के बीच में आपने एक हीलियम का न्यूक्लियस रखा हुआ है, और वो हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो प्लेट ए से डिस्टेंस एक्स के फासले पर है। इनिशियली द हीलियम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट ऑन प्लेट ए वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। यानी शुरू में जो हीलियम का न्यूक्लियस है ये प्लेट ए पे था, जहाँ पे इसकी स्पीड 0 थी। तो आपको याद होगा कि न्यूक्लियस जो होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस जितने भी होते हैं सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऊपर वाली प्लेट क्या है? ऊपर वाली प्लेट जो है नेगेटिव है। तो ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट जो है वो इस न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो शुरू में ये न्यूक्लियस रेस्ट में था, लेकिन जब ऊपर वाली प्लेट उसको अट्रैक्ट करने लगेगी तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ये प्लेट ए से जितना दूर जाता रहेगा उतने डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? एक्स बोल रहे हैं।
फिर ये कह रहा था हीलियम न्यूक्लियस इज फ्री टू मूव बिटवीन द प्लेट्स बाय कंसीडरिंग एनर्जी चेंजेस ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड एट विच इट रीचेस प्लेट बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। कह रहे हैं जब ये हीलियम का न्यूक्लियस को आप फ्री कर देंगे तो ऊपर वाली प्लेट्स को अट्रैक्ट करेगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ये ऊपर वाली प्लेट पर पहुंचेगा तो ये जो भी स्पीड गेन करेगा, जब ये ऊपर वाली प्लेट तक पहुंचेगा तो ये जो भी स्पीड गेन करेगा वो स्पीड जो है प्लेट्स की सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है। क्या बोला उसने कि न्यूक्लियस जब प्लेट बी पे पहुंचेगा तो जो ये स्पीड गेन करेगा उस स्पीड का इस डिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि आप इस 1.2 का बेशक 2.2 कर दें, इसको आप बेशक 0.2 कर दें, ये स्पीड जो गेन करेगा वो सेम ही होगी हमेशा। अब उसकी वजह क्या है, उसके लिए इसमें आपको हिंट दिया है कि कंसीडरिंग एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस को कंसीडर करें आप, तो यहाँ पर एनर्जी चेंज क्या होगा, जब न्यूक्लियस नीचे वाली प्लेट से ऊपर वाली प्लेट पर जाएगा तो ये न्यूक्लियस कौन सी एनर्जी गेन करेगा, ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा क्योंकि ये स्पीड गेन कर रहा है, और लूज कौन सी करेगा, डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा ये। तो यहाँ पर जो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगा इसके, बराबर होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा यहाँ पर वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, चार्ज यानी कि क्यू मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, डेल्टा मतलब चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है भाई, हमें मालूम करनी है स्पीड, तो हम स्पीड को सब्जेक्ट बनाए यहाँ पर, स्पीड बराबर होगी टू टाइम्स इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल का चेंज डिवाइड बाय मास, ये आपका स्पीड का फॉर्मूला बनेगा, बन गया। अब स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, स्पीड डिपेंड कर रही है चेंज इन पोटेंशियल पे, और स्पीड डिपेंड कर रही है मास पे। इस फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स का जिक्र आ रहा है, इस फॉर्मूले में कहीं